जो चैरिटी ट्रस्ट जिग्नेश मेवानी जो कि विधायक है वडगाम से, उनको ऑक्सीजन प्लांट के लिए मदद करने वाला था, उसी वी द पीपल ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर ने उसके जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश, ये बताइए कि आप क्या कहेंगे, जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है चैरिटी कमिश्नर की ओर से? पॉलिटिकल वेंडेटा का इससे ज्यादा खराब नमूना नहीं मिलेगा। अभी वक्त बिल्कुल राजनीति का नहीं है, पॉलिटिकली किसी को टारगेट करने का तो नहीं ही है। तो जो ट्रस्ट जनता को हाथ जोड़कर कि भाई जिग्नेश भाई को ऑक्सीजन प्लांट के लिए मदद करो, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, उसको टारगेट करना क्योंकि वो मुझे मदद कर रहा है और मुझे व्यक्तिगत मदद नहीं कर रहा है, मेरे मत क्षेत्र में ऑक्सीजन का प्लांट बने जिससे ऑक्सीजन पैदा हो, जिससे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रिफिल किया जाए ताकि किसी की जान बचे, ये था प्रोजेक्ट। अब अचानक किसी ने फर्जी एप्लीकेशन दिया, नहीं नहीं ये ट्रस्ट तो गलत है, कुछ गलत काम करेगा, जब गलत काम करे तब उसकी गर्दन दबोचना, नहीं ये तो गलत ही करेगा, ऐसा सोचकर उस सोच को आधार बनाकर उसके अकाउंट को फ्रीज कर देते हो, मतलब कि मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट रुक गया, अब पूरा मामला कानूनी हो गया। वो ट्रस्ट के लोग कोर्ट में जाएंगे, उनके वकील आर्ग्यू करेंगे, सामने वाले चैरिटी कमिश्नर आर्ग्यू करेंगे, उसमें यदि 2-3 महीना निकल गया और फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट के बनने में महीना निकल गया, तब तक जो लोगों की जान ही जाएगी उसके लिए कौन जिम्मेवार है? गांधीनगर रिस्पॉन्सिबल है, माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे कहना पड़ेगा विजय रूपाणी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और यदि आपको ट्रस्ट के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, डिमांड तो मेरी सही है कि ऑक्सीजन प्लांट बनना चाहिए, चलिए विजय रूपाणी साहब अनाउंसमेंट करें कि वड़गाम में हम बनाएंगे प्लांट, करिए ना अनाउंसमेंट। आपको ऑक्सीजन प्लांट बनाना नहीं है, आपको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन देना नहीं है, और जो मदद कर रहे हैं उसकी गर्दन दबोच रहे, वो भी इस वक्त पे। गुजरात हाईकोर्ट ने मेरे पिटीशन को न केवल एडमिट किया, अप्रिशिएट किया, मैंने कहा कि मैं गुजरात में सारी की सारे विधायकों की सारी ग्रांट इसी कोरोना की बीमारी के मरीजों के लिए लगे, ये मैंने अपील की, उसके सरकार हाईकोर्ट अप्रिशिएट करी है, सरकार ये टारगेट कर रही है। लेकिन चैरिटी कमिश्नर ये कह रहा है कि ये जो एनजीओ है ये फ्रॉड है, इस पे भरोसा ना करें लोग। सारे उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही चैरिटी कमिश्नर ने उसको रजिस्टर्ड किया, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, उसको लाइसेंस दिया चंदा कलेक्ट करने का, किसने? मैंने, आपने नहीं, चैरिटी कमिश्नर ने। उसी के आधार पर उसका बैंक का अकाउंट खुला। तो कल को आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कोई ऐसी एंट्री लगे कि यहाँ कुछ ऑडिट में गड़बड़ दिख रहा है, तब आप उनको पूछिएगा। अभी तो केवल कंट्रीब्यूशन आया है, उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं हुआ, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, किसी चीज़ की खरीद बिक्री हुई नहीं। उसके पहले आप उसके अकाउंट को इसलिए बंद टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपको एक्चुअली टारगेट जिग्नेश को करना है, क्योंकि सरकार का कहीं ऑक्सीजन प्लांट बने उसके पहले वड़गाम में यदि बन गया तो सरकार की नाक कट जाएगी, ये उनको चिंता है। आपको लग रहा है कि जिग्नेश मेवानी को टारगेट करके जिग्नेश मेवानी की वजह से इस अकाउंट को फ्रीज किया गया है? बिल्कुल, मतलब कल को और कोई एनजीओ और कोई फाउंडेशन और कोई ट्रस्ट और कोई संस्था अब मुझे मदद करने से पहले डरेगी ना कि भी चैरिटी कमिश्नर का नोटिस आएगा, कल को ईडी आएगा, कल को सीबीआई आएगा, कल को इनकम टैक्स आएगा। तो जो मदद करने वाले, मुझे मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको आप टारगेट करना चालू किए हो, ये तो बहुत मतलब, वो भी इस वक्त पे। मैं तो कहता हूँ यदि ऑक्सीजन प्लांट मेरे वहां बनता तो मैं तो विजय रूपाणी साहब को बोलता, आप भी साथ में आके रिबिन काटिए। अब जिग्नेश मेवानी क्या करेंगे? नहीं, अभी कानूनी तौर पे ट्रस्ट को लड़ना पड़ेगा। मैं तो मेरी जो गुहार है जनता से फंड की, मैं तो अपने तरीके से लगाता रहूंगा। यदि कल को ये ट्रस्ट मदद नहीं कर पाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं सरकार को बोलने वालों के भी इस प्रकार का एटीट्यूड तो नहीं चलेगा। हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी ये ट्रस्ट, और जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको रेगुलर करने की डिमांड करेगी। यदि वो दोबारा रेगुलर हो गया तो उसके 2-3 दिन के अंदर ही हम ऑर्डर देने को तैयार हैं। और मेरे वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट बनता तो केवल मेरा मत क्षेत्र नहीं, अगल बगल के गरीब लोगों को, मरीजों को भी फायदा होता ना। ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट से ज़्यादा जिग्नेश मेवानी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको टारगेट कर रही है। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।